हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल को और उसके बाद दबाइए इस बेल आइकन को, पाइए चैनल से जुड़े लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं हरियाणा एसएससी कांस्टेबल के लिए करंट अफेयर्स या फिर नेक्स्ट जो भी एग्जाम होंगे आपके उसके लिए करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन हैं, आप इन्हें देख लीजिए और अच्छे से पढ़ लीजिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, स्वयं तथा स्वयं प्रभा योजना का संबंध है ई शिक्षा से। भारत का वह शहर जिसे हाल में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर शहर में सम्मिलित किया गया, अहमदाबाद गुजरात। स्किल इंडिया मिशन का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? स्किल इंडिया मिशन का जो ब्रांड एम्बेसडर वो प्रियंका चोपड़ा को बनाया गया। छात्रों को वैज्ञानिक गतिविधियों से जोड़ने के लिए केंद्रीय विद्यालय तथा CSIR का संयुक्त कार्यक्रम शुरू किया गया, क्या है? जिज्ञासा। उस कार्यक्रम का क्या नाम है? जिज्ञासा। हाल में चर्चित भैंसा गाड़ी दौड़ कंबाला महोत्सव से का संबंध किस राज्य से? हाल ही में चर्चित भैंसा गाड़ी दौड़ या भैंसा गाड़ी दौड़ और कंबाला महोत्सव का संबंध किस राज्य से? कर्नाटका। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? पुणे। गणतंत्र दिवस 2018 के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है आसियान देशों के सभी 10 राष्ट्राध्यक्षों को। आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन नेशन का गठन कब हुआ था? आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन नेशन का गठन 8 अगस्त 1967 को हुआ था। आसियान का मुख्यालय स्थित है जकार्ता में। आसियान के सदस्यों की संख्या है 10। भारत के 15वें महानियमवादी या अटॉर्नी जनरल नियुक्त किए गए? के वेणुगोपाल। भारतीय संविधान में महानियमवादी का नियुक्ति का प्रावधान है अनुच्छेद 76(1) में। 21वां मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? अचल कुमार ज्योति। संविधान का वह अनुच्छेद जिसके तहत मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की जाती है? अनुच्छेद 324(2). मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो पहले हो। 12वां G20 शिखर सम्मेलन 2017 आयोजित किया गया हैमबर्ग जर्मनी में। G20 ग्रुप का गठन कब हुआ था? सितंबर 1999 में। इजराइल का वह स्थान जहां पर भारतीय प्रधानमंत्री ने हाल ही के दौरे में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान तुर्की के विरुद्ध लड़ते हुए शहीद भारतीय सैनिकों के स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की, वह है हाइफा शहर। अल्पसंख्यक समुदाय के युवकों के तरक्की के लिए भारत का प्रथम गरीब नवाज कौशल विकास केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? हैदराबाद में। पुनरीक्षित दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना शुरू करने वाला राज्य मध्य प्रदेश। 6 जुलाई 2017 को भारत ने स्वयं को बर्ड फ्लू या एवियन इन्फ्लुएंजा मुक्त घोषित किया। इसका कारक वायरस था H5N1। राष्ट्रीय उद्यान जहाँ विश्व का लगभग 70% एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है, काजीरंगा असम। मक्का आधारित देश का प्रथम मेगा फूड पार्क स्थापित किया जा रहा है, कपूरथला पंजाब। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की वह जनजाति जिसकी आपत्तिजनक वीडियो YouTube पर डालने पर भारत सरकार ने कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है, जारवा। वह राज्य जिसने एकीकृत हस्तशिल्प विकास तथा प्रोत्साहन योजना शुरू की है, उत्तराखंड। थल सुरक्षा कंपनी जिसने हाल ही में रिलायंस डिफेंस के साथ मिहान नागपुर में संयुक्त उपक्रम स्थापित करने की घोषणा की, किस देश में है? फ्रांस। वह भारतीय जिसे जापान ने पर्यावरण पुरस्कार 2017 प्रदान किया गया, हरिश्चंद घटगी। विश्व की पहली ग्रीन सिटी बनाया जा रहा है लियुझोउ चीन में। प्रथम संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2017 का आयोजन किया गया न्यूयॉर्क में। फोर्ब्स ग्लोबल सूची 2017 के अनुसार विश्व तथा भारत की सबसे शक्तिशाली कंपनियां क्रमशः है ICBC, चाइनीज बैंक तथा रिलायंस इंडस्ट्रीज। वह राज्य जिसने हाल में अलग से कृषि बजट पेश करने का निर्णय लिया है, तेलंगाना ने। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रमुख जिला मार्गों के निर्माण हेतु एशियाई विकास बैंक से कितनी धनराशि के लिए समझौता किया है? 2728 करोड़।
मालाबार 2017 सैन्य अभ्यास में भाग लेने वाले देश भारत, अमेरिका, जापान। भारत में विवाह पंजीकरण को अनिवार्य करने वाला सुझाव किसने दिया? विधि आयोग 2017वीं रिपोर्ट में। वह देश जहां हाल में 3000 लोगों ने एक साथ योग करके विश्व रिकॉर्ड बनाया, मलेशिया, कुआलालंपुर। मच्छरों के लार्वा भक्षी प्रजाति मछलियों की प्रजाति है गंबूसिया तथा रेटिकुलेट्स। फीडिंग इंडिया के संस्थापक वह भारतीय जिससे भुखमरी तथा कुपोषण उन्मूलन में उल्लेखनीय योगदान के लिए ब्रिटेन द्वारा यंग लीडर पुरस्कार 2017 दिया गया, अंकित कवत्रा। भारतीय मूल के अमेरिकन नागरिक जिन्हें अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस पर ग्रेट इमिग्रेट पुरस्कार 2017 दिया गया, शांतनु नारायण तथा विवेक मूर्ति। मैत्री 2017 सैन्य अभ्यास किस देश के साथ चंबा हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया गया? थाईलैंड। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया 1 जुलाई को। वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक में भारत का स्थान 23वां। वह भारतीय कंपनी जिसने एशिया, अफ्रीका तथा यूरोप के लिए विश्व की सबसे लंबी केबल तार प्रणाली बिछाने का निर्णय किया? रिलायंस जियो। वह लेखिका जिसने इंडियन ऑफ द ईयर 2017 से सम्मानित किया गया? प्रीति सिनोए। इट्स ऑल इन द प्लैनेट्स जिसकी रचना की है प्रीति सिनोए ने। दोस्तों ये था कुछ क्वेश्चन जो करंट अफेयर्स के हैं और जो नेक्स्ट हरियाणा एसएससी एग्ज़ाम के लिए, कॉन्स्टेबल वाले एग्ज़ाम के लिए और आपके मध्य प्रदेश जो एग्ज़ाम हो रहा है पुलिस का उसके लिए और फिर नेक्स्ट जो यूपी पुलिस का एग्ज़ाम होने लगा उसके लिए आप हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे देख लीजिएगा। अगर जो ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।